दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले टाटोटी साहिब दरगाह में उर्स के मेले का पूरा मंजर, उर्स मेले का पूरा माहौल बताने वाले हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो झूले वगैरह लगे, पूरा माहौल हम आपको बताएंगे। यहाँ पर लंगर की क्या क्या सुविधा रखी गई थी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर दरगाह शरीफ के अंदर उर्स के मौके पर यहाँ पर मन्नत और मुरादों के सिक्के चिपकाए जाते हैं, तो उसके बारे में भी हम बताने वाले हैं। और सरकार के जो मजार शरीफ वहाँ भी लेकर के जाएंगे, ज़ियारत कराएंगे, दीदार करेंगे। और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है, पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको लेकर गया हूँ टाटोटी साहिब दरगाह, जो कि हजरत सैयद कासिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ। और दोस्तों यहाँ पे उर्स का आगाज हुआ, तो उर्स के टाइम का किस प्रकार का मंजर रहता है हम आपको पूरा बताने वाले हैं। दोस्तों ये दरगाह शरीफ अजमेर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आप यहाँ पर कैसे आ सकते हो वो भी पूरी जानकारी देंगे। उर्स में यहाँ का किस प्रकार का माहौल है वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर झूला वगैरह यहाँ पर लगे हैं, और यहाँ पर जो हजरत की मजार शरीफ है वहाँ भी लेकर के जाएंगे, आपको दीदार कराएंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखना, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों बैक कैमरा से आपको लेकर जाते हैं, ये मेन गेट है, अभी हम आपको बैक कैमरा से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम दरगाह शरीफ के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे देख सकते हो आप किस तरीके से यहाँ पे मन्नत और मुरादों के सिक्के चिपकाए जा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे लोगों से भी बात करने वाले हैं कि ये जो मन्नत और मुरादों के सिक्के ये क्यों चिपकाए जा रहा है, अभी इनों से ही हम यहाँ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं एक वीडियो पूरा अपलोड कर चुका हूँ, जो यहाँ पर सरकार की मजार शरीफ में उर्स के मौके पर जो चादर आती है जुलूस के साथ में, वो पूरा वीडियो इससे पहले मैंने अपलोड कर दिया। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप जाकर के देख सकते हो, उसमें आप सभी के लिए खास दुआ भी करी गई थी। आज मैं आपको यहाँ का पूरा मंजर दिखाऊंगा, और बाहर जो मेले का मेला ग्राउंड है वहाँ का पूरा सीन दिखाने की कोशिश करूँगा, जो यहाँ पर लंगर वगैरह और जो झूले वगैरह लगा है वो भी नज़ारा दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले आप यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो मन्नती सिक्के चिपकाए जा रहे हैं। ये मस्जिद है, मस्जिद के सामने ये देखिए जो आस्ताना मुबारक बना हुआ है, इसी पे पीछे की ओर यहाँ पे कई लोग यहाँ पे मन्नती सिक्के चिपका रहे हैं। दोस्तों ये अपने अपना अकीदा है, अपना अपना विश्वास है। हालांकि दोस्तों आप किसी भी मतलब अल्लाह के वली की दरगाह शरीफ में जा कर के विश्वास रखें, अगर कोई भी चीज़ मन्नत और मुराद मांगोगे तो अल्लाह का जो वली है उनके वसीले से अल्लाह ताला आपकी जो भी मन्नत और मुराद है वो जल्दी से जल्दी पूरी करता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार का ये पूरा मंजर है, किस तरीके से यहाँ पे कई लोग यहाँ पे सिक्के चिपका रहे हैं, और ये उर्स के टाइम का ये पूरा मंजर है। दोस्तों टाटोटी साहिब दरगाह अजमेर शरीफ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पे मौजूद है, यहाँ पे आप आराम से आ सकते हो। कैसे आओगे वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम यहाँ पे जितनी पब्लिक यहाँ पे जो सिक्के चिपका रही है यहाँ के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले आप देखिए ये पूरा मंजर। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इन लोगों से बात करते हैं। आप जो सिक्का चिपका रहे हैं इसका क्या मतलब है, सिक्के चिपकाने का? या कोई जो मुरादे कली है तो चिपके तो रहेगा, नहीं चिपके तो मुरादे नहीं होगा। अच्छा, मतलब जिसका सिक्का चिपक गया उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। सिक्का नहीं चिपका, नहीं मुरादे नहीं होगी। आप कहाँ से हैं? नहीं जी। तो आपका सिक्का चिपका या नहीं चिपका? नहीं चिपका। नहीं चिपका, ठीक है भाई। देखो ये इनका भाई था तो सिक्का नहीं चिपका, मगर जो सिक्के यहाँ पर चिपके हुए हैं इसके बारे में बताया जाता है, जिसकी मन्नत पूरी होने की होती है, उन्हीं के सिक्के यहाँ पर चिपकते हैं। और यहाँ काफ़ी लोग जो है लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो सिक्के हैं यहाँ पर कोशिश की जा रही है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा यहाँ पर मन्नत और मुरादों के सिक्के चिपकाए जाते हैं, जिसका सिक्का चिपका तो उसकी मन्नत मुराद जल्दी से जल्दी पूरी होती है, ऐसे यहाँ पे बताया गया। लेकिन दोस्तों ये सब अपना अपना विश्वास है। अब हम आपको दरबार में अंदर लेकर के जाएंगे, आप देखिए टाटोटी साहिब दरगाह का पूरा मंजर। अभी आस्थान मुबारक में लेकर के जाते हैं, और अंदर जो सरकार की मजार शरीफ वहाँ पर दीदार कराते हैं, फिर हम आपको जो बाहर मेला ग्राउंड है जहाँ पर झूला वगैरह और लंगर वगैरह लगा हुआ वहाँ का पूरा नज़ारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पर दरगाह शरीफ को सजाया गया उर्स के मौके पर, और देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो सरकार के चाहने वाले सभी की यहाँ पे लाइन लगी हुई है, सभी एक एक करके अभी अंदर जाएंगे और सरकार की मजार शरीफ में फूल और चादर यहाँ पे पेश करने वाले। दोस्तों टाटोटी साहिब दरगाह को हजरत सैयद शेख कासिम बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, और ये अजमेर से 50 किलोमीटर की दूरी पर आप आराम से अजमेर से जो डिग्गी बाजार है या 2.5 दिन का झोपड़ा है वहाँ से आप आराम से 4 व्हीलर बुक करके भी यहाँ पर आ सकते हो। और दोस्तों सरवार शरीफ जाने वाले रास्ते में ही ये दरगाह शरीफ पड़ती है। तो चलिए दोस्तों अभी पहले आप जो आस्थान मुबारक है यहाँ का पूरा मंजर देखिए, आपकी जो भी मन्नत और मुराद है आप यहाँ पे मांग सकते हो। आज उर्स का दिन है, उर्स के मौके पर आपकी जो भी मन्नत मुराद है वो ज़रूर पूरी होगी। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो पूरा अपलोड करा आप सभी के लिए, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया दुआ करी गई थी। इस वीडियो से पहले वीडियो जो अपलोड करा गया वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों पहले आप यहाँ पर ज़ियारत करिए, दीदार करिए, फिर हम आपको बाहर ले कर के चलते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ऊपर जाओ आगे दे दो आगे दे दो। तो दोस्तों अभी हम जो आस्थाना मुबारक है वहाँ से बाहर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से यहाँ पे सुबह से यहाँ पे लंगर वगैरह यहाँ पे चल रहा है। सुबह जब हम आए थे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पब्लिक थी, यहाँ पे लंगर वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे अभी भी लंगर और नियाज किसी ना किसी रूप में यहाँ पे अभी तकसीम करी जा रही है, किसी ना किसी रूप में यहाँ पे लोगों के अंदर बांटी जा रही है। आप देखिए किस तरीके से जो खीर है, खीर का लंगर भी और जो पूरी सब्जी है, सभी का यहाँ पे लंगर बना हुआ है। तो आप अलग अलग प्रकार के लंगर आप यहाँ पे खा सकते हो। अभी हम आपको जो ये पूरा मेला ग्राउंड है पूरा घुमा करके हम दिखा देते हैं। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे बच्चे के खिलौने वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना, काट काट के बिल्कुल मत देखना। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। चलिए दोस्तों अब आप ये पूरा नज़ारा देखिए। Thank you.